65 ग्रंथ पेज नंबर 109। मिथ्या दृष्टि युक्ति से हिंसा में धर्म ठहराता है। युक्ति में तर्क देता है वो अपने अलग अलग एक से एक दिमाग ज्यादा छोटी बुद्धि, और युक्ति से हिंसा में धर्म ठहराता है। बोलो, आग पानी को आग से मतलब आग में पानी में आग लग जाना वो एक बार हो जाए, लेकिन हिंसा में धर्म नहीं हो सकता क्या? लेकिन बहुत इतनी ऐसी ऐसी विपरीत युक्तियां हैं, अभी सब बताएंगे वो सब। और बहुत सारी युक्तियां अपन भी मानते हैं, जैसे धर्म के नाम पे होने वाली हिंसा हिंसा ही नहीं है, वो तो धर्म है। तो ऐसी युक्तियों से हिंसा करके और धर्मात्मा बने रहते हैं, तो उनको समझा रहे हैं कि कोई धर्म वर्म नहीं हो रहा है, हिंसा एक निश्चित बात है कि पाप है। क्या हिंसा किसी भी रूप में वो पाप है, चाहे वो धर्म के लिए की हो चाहे कर्म के लिए की हो, हिंसा पाप है। जीवों की हिंसा करना वो एक खोटा काम है, पाप बंध का कारण है, उसको कोई भी युक्ति वगैरह दे के तर्क से सिद्ध धर्म सिद्ध नहीं किया जा सकता। खोटा तो खोटा काम ही रहेगा, अच्छा कैसे हो जाएगा? बारह सूत्र हैं इसके, कितने सूत्र? बारह। उसको बारह सूत्रों में प्रकट करके श्रद्धालु सावक को सावधान करते हैं। ये क्या पहले जो सूत्र दिया है, इसके पहले की जो गाथा थी उससे इसको जोड़ना। पहले की गाथा क्या थी? इसके पहले गाथा में क्या बताया था, क्या कहा था? अज्ञानी जीवों का असंगत वर्तन देखकर व्याकुल मत होना। तो वो ये अज्ञानी है, ये सब बारह सूत्रों में बताएंगे कि ये कैसी उठपटांग बातें कहते हैं, तो इनके तर्क सुन के तुम्हारी बुद्धि मत खराब कर लेना। क्या ये ऐसे, ये तो है ही ऐसे, ये तो ऐसी ऐसी तर्क युक्तियां देंगे कि तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा और तुम भी कदाचित ये स्वीकार करने लग जाओगे हाँ किसी रूप में हिंसा ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इनके असंगत वर्तन देखकर तुम्हारे में व्याकुलता नहीं आ जाए, तुम समझदारी नहीं करने लग जाओ। अब वो कैसी कैसी युक्तियां देते हैं बता रहे हैं, तो तुमको सावधान कर रहे हैं, जो श्रद्धालु सावक है उसको सावधान कर रहे हैं। असंगत आचरण वर्तन आचरण अयुक्त आचरण है सब। लाखों लोग बकरे को मार रहे हो तो एक आदमी को लगता है कि ये सब गलत तो होंगे नहीं, अपन भी मारो, इतने सारे बकरे की हिंसा कर रहे। सब धर्मों में एक चक्कर है, यही नहीं अपने यहाँ पे, सब धर्मों में पाप है। एक जैन धर्म ऐसा है अहिंसा रूप, बाकी पशु बलि सब तो दे रहे हैं, हिंदू नहीं देते, सब देते हैं। वो भी कालका की नहीं दे रहे, हिंदुओं में होती नहीं बलि, नेपाल में होती कि नहीं होती, कलकत्ता में होती है। दुर्गा की पूजा करते हैं नवरात्र में, खूब बलियां होती हैं, तब बड़े बड़े भैंसे बकरे बड़े भैंसे बहुत हिंसा के वही संसार। देखो पहली कोई युक्ति, सूक्ष्मो भगवत धर्मो धर्मार्थम हिंसने न दोषोस्ति इति धर्म मुग्धर हृदये न जात भूत्वा शरीरो हिंसा। तो मैंने कहा था पहली पहली कोई युक्ति आ गई, सूक्ष्मो भगवत धर्मो, भगवान का धर्म बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है भैया, अपने से तो अपन तो बस की अपने बस की बात ही नहीं है। और धर्मार्थम हिंसने न दोषो अस्ति, धर्म के लिए की गई जो हिंसा है उसमें कोई दोष नहीं। धर्मार्थम धर्म के लिए की गई हिंसने हिंसा में दोषो नो अस्ति, दोष नहीं है। इति धर्म मुग्ध हृदय, इस प्रकार से जो धर्म में जिनका हृदय मुग्ध है उनके द्वारा शरीरों हिंसा, शरीरों मने शरीरधारी जीवों की
हिंसा हिंसा न जातु जातु माने कभी भी न नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पे भी हिंसा मत कर लेना, धर्म के लिए हिंसा करो कोई दिक्कत नहीं। क्या जैसे समझ लो पड़ोसी बात कर रहा हो तो बोले ये अपने को स्वाध्याय में डिस्टर्ब कर रहा है, इसको चाटा मारने में कोई दोष नहीं, देख चाटा क्यों मारा भैया कि तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था, लग दिया है हमको कोई तकलीफ दे रहा हो या सब लोग कोई चिल्ला रहा हो तो अपने हाथ में जो आ जाए क्या तो कह रहे हैं कि नहीं धर्म धर्मात्मा का हृदय तो कोमल होता है। क्या कोई ये वही तो ही नहीं कि इसके वजह से किसी और को क्रोध करने लग जाए। अपन यही तो सीखना है कि भाई परिस्थिति ऐसी प्रतिकूल बने तो शांति रखो। क्यों धर्म के लिए, इसलिए जीवों की हिंसा तो धर्म के लिए भी नहीं करना चाहिए। ये लोग सब धर्म के नाम पे तो कर रहे हैं कि भगवान के लिए बलि दे रहे हैं, हम कोई अपने लिए तो नहीं दे रहे हैं। भगवान के लिए देने में क्या दिक्कत है, कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे, भगवान के लिए तो कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं। धर्म के लिए कर रहे हैं, भाई नारियल चढ़ा रहे हैं तो अपने लिए तो नहीं चढ़ा रहे नारियल, कोई हम तो खाएंगे नहीं, भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं। लेकिन जो तुम चढ़ा रहे हो उसमें ये देखो कि वो चीज में हिंसा है कि नहीं है। यदि उसमें जीव नहीं हो सचित्त नहीं हो तो चढ़ाओ, जैसे वो बकरा चढ़ाने के रहे तुम नारियल की कह रहे हो, अंतर इतना है कि वो पंचेंद्रीय और ये एकेंद्रीय है वनस्पति का ही, लेकिन जो थ्योरी है वो तो तुम दोनों की एक सी है ना, कि धर्म के लिए कोई दोष नहीं। धर्म के लिए भी क्यों नहीं भाई, धर्म के लिए यदि ऐसी चीज चढ़ा के भी अपने ऐसी चीज भी यदि कोई मिल जाए जिससे हिंसा नहीं हो तो उसको चढ़ाने की दिक्कत है। अरे ऐसी चीज से अपना काम हो जाए जिसके द्वारा हिंसा भी ना हो जीवों की तो वो चढ़ा के अपना काम निकाल लेना। अपन व्यापार व्यवसाय में क्या करते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के ही शांति से प्रेम से अपना काम हो जाए, बिना नुकसान के बिना खर्चे के बिना उसके अपना काम निकल जाए तो अपन निकालते ही नहीं कि नहीं हम तो करेंगे ही, तो इसके लिए तो हम तो यही चढ़ाएंगे। ये हट है, हट हट है, यही चढ़ेगी किशमिश ही चढ़ेगी। अरे भैया किशमिश में चीटियां आनी कि नहीं आनी, और चीटियां मरेगी कि नहीं मरेगी पांव के नीचे, तो फिर क्या करना है, मत चढ़ा चीटी की जगह किशमिश की जगह कुछ और चढ़ा। हर चीज इतना चार पूर्वक होती है, हट नहीं होना चाहिए किसी चीज, हम तो यही चढ़ाएंगे किशमिश चढ़ा के धर्म होगा, कुछ नहीं है ऐसा। अरे जिसमें जीव आ जाए मैं कहता हूँ चावल में धंधूरी पड़ जाए चावल साफ कर ले छोड़, नारियल में पड़ जाए गिरी में पड़ जाए। मैंने कहने का तात्पर्य है कि धर्म के नाम पे भी हम ऐसी चीजें नहीं चढ़ा सकते जिसमें हिंसा बहुत होती हो। क्या ये धर्मार्थ के लिए भी किसी दूसरे के प्राण तो ही नहीं ले जा सकते, अपने भाव के लिए दूसरे की हिंसा कर लो चलो मेरे को चौकी नहीं मिले यहाँ पे थाली रखने के लिए, कोई चीज नहीं मिले तो किसी बच्चे को पकड़ के उसके माथे पे दिया नहीं मिले तो बोले इस पे चला दो इस पे चला इसके माथे पे रखो सिगड़ी कि इसको पीड़ा पा रहे, इसकी क्या पीड़ा है, तो भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं, जय श्री भगवान। ऐसा नहीं विवेक से ही काम होएगा, तो जो भी वस्तु उपयोग करो उसमें देखो कि कोई जीव तो नहीं मर रहे, जीवों को मारने से क्या सिद्धि, बिना मारे अपना काम चल सकता हो, अपनी पूजन भक्ति बिना मारे हो जाए तो क्या दिक्कत है, कि नहीं हमको मारना ही है, उससे ज्यादा भाव लगते हैं। कौन सी चीज से ज्यादा भाव लगते हैं, सच चीज बताओ मेरे को, कि जिससे हमें प्रणाम ऐसे लगते हैं कि हम तो ऐसा लगता है बिल्कुल है कोई ऐसी वस्तु कि ये सब अवलंबन मात्र है। क्यों भाई वस्तु अवलंबन के लिए अपने परिणाम सुधारने के लिए अवलंबन मात्र है कि वो वस्तु ही हमारे लिए मुख्य रूप है,
अवलंबन है। मूल कारण, मूल चीज क्या है? अपने परिणामों की विशुद्धता, उस पर तो ध्यान देवे नहीं, चीज के लिए लड़ ले। मेरी थाली में गिरी नहीं है ये, इनकी थाली में सब डाल रहे हैं, इनकी थाली में सब द्रव्य सामग्री पड़ी, मेरी तो है ही नहीं। एक बता बताता हूँ मैं इन सबको मिला रही हूँ। नहीं तो जीव दया की, अन्य जीवों की दया, त्रस स्थावर की हिंसा। अब तो वो उन्हीं की तरफ से बात कर रहे हैं, दूसरे जीवों को समझाने के लिए ना। क्या चलाते हैं? गोला गोला चढ़ाना चाहिए, नारियल सस्ता मिलता है, तो गोला ही चढ़ाना ना उसके लिए। ऐसा है, ये नारियल का जो है ना प्रचलन, ये बहुत, ये एक्चुअल में ये नारियल सचित्त माना जाता है। नारियल सचित्त है, गोला अचित्त है। जब तक गीला है तब तक सचित्त है वो। जीव सहित है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र में कह रहा। कोई भी अचित्त जो सचित्त वनस्पति का त्यागी है वो ले नहीं सकता उसे। सचित्त का त्यागी कच्चा नारियल, मतलब कच्चा मतलब जो गोला नहीं है, उसको नहीं ले सकता। गीला है वो भी, उसमें जीव है। सूख जाए, गोला बन जाए, फिर आप उसकी गीली बनाओ आराम से। शांति धारा क्या, इनको कुछ मालूम तो ही नहीं किसी को, क्या अर्थ है शांति धारा का, किसको मालूम है? ये जितने कर रहे हैं इनको कुछ भी नहीं मालूम है, ये सब परंपराएं दूसरों को देख देख के कर रहे हैं। ये तो पूछो तो एक अर्थ क्या है शांति धारा का, एक संस्कृत पंक्ति का अर्थ बता दें तो बता रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है। हो अल्लाह हो अल्लाह, एक जना खड़ा हो जाता है, सब जने छिन 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 भिन भिन छिन छिन भिन भिन छिन छिन भिन भिन, कुछ नहीं उसका अर्थ समझो। अपन तो अपने को डर लगे, छिन छिन करता था, छेदन करो छेदन करो, भिन भिन मन भेदन करो भेदन करो, और वो आज्ञा लोट लकार का है, लोट लकार आज्ञा, मैंने आज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त होती, भगवान को आज्ञा दे रही है, भगवान छेदो छेदो, किसका छेदन करना है? लोट लकार का पढ़ लेना कभी संस्कृत थोड़ी सी। छिंद माने छेदन करो, भिन्न माने भेदन करो, और वो भी डाकिनी को शाकिनी को भूत को बेचन, अरे अपने घर की पत्नी से तो भी डाकिनी है, दूसरी डाकिनी है अपने से जो अपने कहाँ पर दूसरा कोई डाकिनी शाकिनी और वो भूत प्रेत व्यंतरणी और उनको निपटा रहे हम सबको निपटा दिया जाता उसमें, जितनी भी व्यंतरणी और बिचारियां पता ही नहीं वो क्या कर रही है वो। तो मेरे को तो अपने घर अपने यहाँ दिख रहे जो करने वाले हैं वो तो अपने आसपास वाले लोग हैं, वो क्या कर रही है बिचारी? मोह राग द्वेष का छेदन करो, कषाय का छेदन करो, मिथ्यात्व का छेदन करो, संसार का छेदन करो। डाकिनी शाकिनी का किसी का नहीं करना, डाकिनी का कोई भय है ना शाकिनी का भय? कहाँ है डाकिनी और शाकिनी, आपको मिली किसी ने? अरे अपने आस पड़ोस में यही लोग इतने परेशान कर देते हैं, किसी डाकिनी शाकिनी की जरूरत नहीं है क्या? मैं कहता हूँ कहाँ जरूरत है बता अपना यू जो अपना चित्र आकुलित हो तो वही अपने लिए तो डाकिनी है और वही साकिनी है और भूत भी वही है, प्रेम भी वही, व्यंतर जितनी उपाधियां देना दे दो। मैंने मैं कोई पत्नी के ही नहीं कह रहा हूँ, पत्नी के अलावा कोई भी हो एक्स वाई जेड घर के अंदर जिससे अपना दिमाग खराब हो रहा हो, कषाय बढ़े क्या क्या,
किसी की किससे बड़ा है, किसी की किससे बड़ा, जिसकी जिससे बड़ा है उसके लिए तो वही भूतनी है, प्रेतनी है, डाकिनी है, साकिनी है। क्या है मूल मिथ्यात्व और कषाय भाव, उसके नाश पे तो दृष्टि नहीं है और ये पर वस्तुओं को अपने सुख दुख का कारण मान के उनके नाश की भावना करना, और दूसरी बात ये जीव जंतुओं के उनको ये इनको बुरा मानने ही बेकार बुद्धि है, अनिष्ट मानने ही मिथ्या बुद्धि है। ये भूतनी ने डाकिनी ने शाकिनी ने प्रेतनी व्यंतरनी बलाना डिगाना ये जितनी है ये कोई हमारे दुख को करने में कारण नहीं है। हमारा राग भाव ही हमारे दुख को करने में निमित्त है। हमारा जो राग है ना परिवार के प्रति वो राग ही ढाकनी शाकिनी है। दूसरा ये कि द्वेष तो फिर भी दिखता खराब है, और जो परिवार के प्रति जो राग है पत्नी पुत्र रुपया पैसे के प्रति जो राग है ना राग बहुत भयंकर है, वो कोई ढाकनी शाकिनी वो किसी को नहीं दिखता। राग तो दिखता ही नहीं है, द्वेष तो दिख जाएगा कि लड़ाई नहीं करना चाहिए पर राग भी नहीं करना चाहिए, सामने भाव रखना चाहिए, उसको नाश करो। राग हिंसा ही नहीं, तो ये है, ये तो ये सब बहुत सारी चीजें हम दूसरों से देख देख के सीखे हैं। वैदिक धर्म की इतनी प्रथा अपने यहां घुस चुकी है कि अपने को अपनी चीज ही पता नहीं चलती कि कौन सी अपनी और कौन सी उनकी है। वो तो जो आदमी स्वाध्याय करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये चीज तो आगम में कहीं आई नहीं है और ये चीज आगम में आई है, तो जो आई नहीं है उसको मानना स्वयं में छोड़ देगा और जो आई है उसको मान लेगा। अजय पड़ेगा ही नहीं तो चाहे जो जब कुछ जो करवा लो उससे, क्या लोग इतनी बात पे लड़ते हैं, भगवान पे डालना शांति धारा की यंत्र जी पे करना, जो यंत्र जी पे करता है उसको लोग धक्का देते हैं भगवान पे करो, तो भगवान पे करता है खींचते यंत्र जी पे कर, क्या करे आदमी, कोई लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है इनका, क्या कोई समझते ही नहीं ये लोग, इन क्रियाओं में इतनी बुद्धि धर्म बुद्धि कि तत्व स्वरूप तो समझने की दृष्टि ही नहीं है कि ये क्या है। जो करे कम है वो सब, क्या है कुछ अलग अलग परंपरा होती है। अब कोई किसान है, किसान के पास तो वो नारियल है तो चल जाएगा, किसान को इतना विवेक भी नहीं होता। तुम तो तुम बनिए लोग, तुम्हारे गोला खरीदने की हिम्मत है कि नहीं, और तुम कोई नारियल कोई खेत से पैदा करके अपनी खेत का लेके आए हो क्या, तुम तो नारियल भी खरीद रहे हो गोला भी खरीद रहे हो, समझ में। उसके दृष्टिकोण की अपेक्षा क्या, गांव में किसान वगैरह होते ना दक्षिण के अंदर, तो वो तो उनकी जो पैदावार होती वो लिया है वो ठीक है उसके लिए, क्योंकि उसने अपना कुछ दिया है तो उसने अपनी पैदावार का हिस्सा दिया है। तुम्हारे तो क्या, तुम तो चार चीज खरीदते हो, कोई नारियल भी खरीद रहे हो गोला भी खरीद रहे हो सब खरीद रहे हो, तो खरीद ही रहे हो, जब अच्छी चीज खरीद रहे हो पासो जिसमें जीव हिंसा काम हो, सीधी सी बात है और क्या है उसमें। और वो यदि लिया है तो हम उसको मना नहीं करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से जो लेके आया उसके जो पैदा हुआ वो किया उसने, उसकी भक्ति से लेके आता, वो विवेक ही नहीं है। तुम विवेक ही हो ना, ग्वाला यदि तपाए मुनिराज को कंबल डाल के तो ग्वाले को दोष नहीं है इतना, लेकिन तुम विवेक ही हो और तुम ऐसे काम करोगे तो दोष है। देखो भगवान का कहा हुआ धर्म बहुत बारीक है, इसलिए धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है। ऐसा धर्म मूढ़ अर्थात भ्रम रूप हृदय वाला होकर कभी भी शरीरधारी जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसी उठपटांग बातें के और जीवों को मारना नहीं, ज्ञान सहित धर्म सूक्ष्म है, जो लोग कहते हैं बिल्कुल वो सूक्ष्म के अपने पाप करते रहते आराम से, और बहुत धर्म तो बहुत सूक्ष्म भैया, इतना सूक्ष्म है सांस लेने में भी हिंसा हो जाती भैया, बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म कर करके और आराम से मस्ती से पाप करना है क्या समझेगी। जो जिसके त्याग का कहा ही नहीं है उसकी बात करता है, सांस लेने को कौन मना कर रहा है तेरे को, सांस लेने में हिंसा होती, कौन सी हिंसा होती पहली बात तो, कहीं नहीं कहा है कि सांस लेने में हिंसा होती,
बिना देख के चलने में, जीवों को मारने में हिंसा होती है, सांस लेना छोड़ना असंभव है, होती भी होती हिंसा तो भी सांस छोड़ना हम अपनी हिंसा करेंगे क्या? लेकिन देख के चलने में कौन, तुम मर जाओ, देख के चलो, देख के खाओ, देख के हर चीज बनाओ, सोच के यत्नाचार पूर्वक काम करो। ज्ञान सहित धर्म सूक्ष्म है, अतः धर्म के निमित्त से हिंसा करने में दोष नहीं है। इस प्रकार धर्म में जिनका चित्त भ्रम रूप हुआ है, ऐसे होकर प्राणियों को कभी भी मत मारो। क्या ऐसे होकर मत मारो? बहुत दुनिया धर्म के नाम पे ही ये यज्ञ, पशु वध, बलि, कुर्बानी सब धर्म के नाम पे हो रहा है। कोई अज्ञानी कहता है कि दूसरी जगह तो हिंसा करना पाप है। देखो ये आ गया ना, दूसरी जगह तो हिंसा करना पाप है, परंतु यज्ञ आदि में धर्म के निमित्त से तो हिंसा करने में कोई दोष नहीं है। इस श्रद्धा के साथ हिंसा में प्रवर्तन करना योग्य। कितने लोग बहुत आग्रह रहता है, जैसे ये अपने यहाँ ये यज्ञ वज्ञ भी होते हैं तो अपने यहाँ धर्म रूप यज्ञ कहे, पुष्पों का होता है, पुष्प का उसकी यज्ञशाला बना ले, पुष्प छेपित कर दे, पुष्प माने चावल में पीले चावल करके और उसको पुष्प मान के और उसका छेपण कर दे। क्या अपने पाप का छेपण करना है असल में, तो अपने मिथ्यात्व कषाय भाव का मोर आदेश अष्टकर्म विध्वंस उसको करो। कोई ऐसा तो ही नहीं, बहुत आग जलाओगे तो कर्म ज्यादा जल जाएंगे, क्यों कौन से चलेंगे, तो मैं निकल के ऐसे निकल जाएंगे। प्रतीकात्मा क्यों, बल्कि धर्म में तो हिंसा का जितना त्याग बन सके उतना त्याग करना चाहिए। लौकिक काम में यूं हिंसा अपन बहुत कर रहे हैं, कम से कम धर्म के निमित्त से तो हिंसा नहीं करें। कोई सिद्धि हो उससे तो बात अलग समझ में आती है। समझ लो अपन ने आग जलाई है, अब आग उससे क्या सिद्धि हुई, मंदिर की दीवारें और काली हुई, कुछ नहीं हुई है। उससे क्या हो क्या रहा, उससे कुछ विशेष धर्म आदान न होती, बल्कि आग में मजा आता है लोगों को, आग जलाने में और देखने में और करने में, आग से क्या, आग खेलने में मजा आता है। एक एक सौ आठ, एक आठ, एक हजार आठ, एक सौ आठ, दस हजार आठ, पच्चीस हजार, क्या है तो इसलिए पुष्पों की भी ऐसा है। देखो स्थापना कर रहे हैं तो हम वो वस्तु के द्वारा हिंसा नहीं कर रहे हैं, वो आटे का मुर्गा तो पंचेंद्रीय जीव है, और ये जो पुष्प वनस्पति है ना, ये यद्यपि स्थावर का है लेकिन इसके अंदर आजकल बहुत सूक्ष्म चलते फिरते दौड़ते जीव इसके आश्रय से बहुत है। पुष्प अपने आप में बुरा नहीं है, पुष्प तो एक इंद्रिय, लेकिन पुष्प के आश्रय से त्रस जीव होते हैं। हम उन जीवों को नहीं चढ़ा रहे, हम पुष्प चढ़ा, और जब फूल लेके आते हैं असली तो उसके आश्रय से जो जीव मरते हैं उसका दोष लगता है, त्रस का त्रस, उसमें त्रस ही हिंसा हो रही है एक्चुअल में। इसलिए तो पुष्पों का मना किया, क्योंकि पुष्प के निमित्त से बहुत उसकी सुगंध से उसके अंदर असंख्यात त्रस जीव की विचरण करना पाया जाता। और पहले तो ये जो है ना चतुर्थ काल के प्रारंभ में नहीं थे ऐसे, मालूम आपको, ये तो पंचम काल जो जो हुआ तो त्रस जीवों की, विकलत्र जीवों की उत्पत्ति बहुत होने लगी। ये दोष है ये पंचम काल का, आपकी सब्जियों में, आपके फलों में, आपकी वनस्पतियों में, सब में त्रस जीव ढेरा होने लग गए, पहले नहीं होते थे, छोटे काल की उत्पत्ति भी नहीं, भोग विकलत्र होते ही थे, भोग विकलत्र नहीं होते, विकलत्र मतलब समझते दो इंद्रिय से चार इंद्रिय, भोग में एक भी नहीं होता, कोई होती नहीं है, भोग भूमि में दो इंद्रिय से चार इंद्रिय तक के कोई जीव नहीं होते, नियम है, शाश्वत नियम है। पंचेंद्रिय त्रियंश होते, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय संगी गर्भज पर्याप्तक होते रहते, कर्म भूमि में होते हैं, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय सब कर्म भूमि की देन है। जितने असंख्या द्वीप है कहीं दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री नहीं है,
ढाई द्वीप के बाहर जितने भी असंख्या द्वीप है, स्वयंभू रमण द्वीप के आधे आधे हिस्से तक, वहां एक भी दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री नहीं है। क्या ये सब चतुर्थ काल में विकलत्र जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ हुई, और जो जो चतुर्थ काल आगे बढ़ता गया तो उत्पत्ति होती गई, पंचम काल में बहुत ढेरान हो रहे हैं। इसलिए यदि कदाचित पहले चढ़ाते भी हो तो अपन कोई उसका मना नहीं करते, क्योंकि पहले इतनी उत्पत्ति नहीं होती थी, अब हो रही। मैं तो कहता हूँ पहले अपन सेब फल वगैरह खाते थे, पहले अपन बिना देखे भी खा जाते थे कोई, तो ठीक है हो सकता है उस समय जीवनी हो, तो अब आज तो अपन कहेंगे कि देख के खाना अंदर निकल जाएगी, हर चीज में निकल रही, बादाम में निकल रही, काजू में निकल रही, सेब फल में, अनार में, सब में निकल रही। तो अब भाई अपन एक संभाल के कहते हैं भैया हर चीज को सुधार के खाओ, किसान कोई नहीं निकलती थी इसमें कि आप सब में निकलने लग गई है। मैंने खुद ने ऐसा टाइम देखा है कि जब खेतों में बिना कीटनाशक दवाई के अच्छी फसल आती थी, अच्छी बढ़िया, क्या बिना कीटनाशक, कीटनाशक माने पेस्टिसाइड के, कीड़े मारने की दवाई के बिना ही फसल आती थी। और अभी नहीं आ रही है, सब डाल रहे हैं। पहले भिंडी हम बचपन में खाते थे कोई इतनी लटरी निकलती थी, आजकल एक भिंडी की सब जो फसल आती है उसमें बताते हैं कि तीन तीन बार उनको छिड़काव करना पड़ता है। तो सब चीजें बदल गई, क्या करें। जैसा इसलिए अपने को धर्म जो विवेकवान होता है वो काल आदि के अनुसार वैसी प्रवृत्ति करता है, कोई लकीर का फकीर नहीं होता, वो देखता है कि भाई अभी जीव हिंसा हो रही है, साक्षात चलती फिरते चढ़ते चलते फिरते त्रस्त जीव दिखाई दे रहे हैं, तो उस चीज को छोड़ देता है। ये कोई आग्रह वाली बात नहीं है, तो आप खुद देख लो अपने अनुभव से कि भाई इसमें अब त्रस्त जीव की उत्पत्ति बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, इसलिए इन चीजों को छोड़ो। यदि चावल में भी होने लग जाएंगे तो अपने उसको ही मना करना, उसमें अपने कोई चावल कई चीज नहीं करनी है, जहां जीव दिखे वो चीज छोड़ दो बस, क्योंकि अपना प्रयोजन क्या है, जीव इंसान नहीं हो बस, इतना ही प्रयोजन है। कोई किसी चीज का आग्रह नहीं है कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई झगड़े का। आप अपने मूल में अहिंसा की भावना रखो कि भाई कोई भी काम में किसी जीव की जीव के प्राणों का घात न हो, बस इतना विवेक रख के काम करो तो आपको अपने आप अक्कल आ जाएगी कि क्या करना हो क्या नहीं करना, और इस काल में कैसे जीव उत्पन्न हो रहे, इस काल में कैसे करना, इस देश में कैसे करना, इस मौसम में कैसे करना, सब अक्कल आ जाएगी। इस मौसम में जीव ये वाले बहुत होते हैं, इसके अंदर ये चीज नहीं छोड़, ये चीज छोड़ देना, इसको उपयोग कर लेना, इसको नहीं करना, देश काल सब परिस्थिति अपने को वैसे भी विवेक अपने को सब अक्कल दे देता है, और जिनके पास विवेक नहीं होता है वो लकीर के फकीर बन के रहते हैं, तो वो कहीं क्या करते कहीं क्या करते। अरे सब परिस्थितियां, देश काल, बिजनेस में कौन सक्सेस होते हैं, वो जो कल्चर बदल लेते हैं। हम तो ऐसी बात करेंगे एक जैसी सिखा दिया उसको, है नहीं चलती चीजें, जहां जैसी देश काल की जो भाषा होती है, जिस तरीके का उनका जो भी उनकी संस्कृति होती है उसके हिसाब से ऐसी इसमें है। ये कोई मैंने ये आप अपने को सिद्धांत पकड़ने, सिद्धांत प्रिंसिपल पकड़ो, प्रिंसिपल ये है कि जीव इंसानी होनी चाहिए, ये तो इस पे तो सब एग्री है कि इस पे भी कोई कह कि नहीं है, और यदि इस पे एग्री नहीं है तो फिर ये अपने लिए ही ये गाथा कि धर्म के लिए तो हिंसा हो सकती है, वही तो कह रहे हैं वो कि कोई ये कहता है कि धर्म के निमित्त हिंसा में कोई दोष नहीं, तो कह रहे नहीं कोई कैसे दोष नहीं है, पेड़ पौधों के निमित्त से हिंसा होती है, वनस्पति से हिंसा होती है, कौन रोक सकता है उसे, अपने दिखती नहीं है। अब मैं कहता हूँ आप एक इंच बाय एक इंच जमीन करके देख लो, खोद के देख लो, पानी डाल के अपने थोड़ा सा छोटा सा बगीचा लगा के देखना, हैरान जीव पैदा होते। ये तो क्या है इनके अंदर है कि ये दादा वाड़ी बागवाड़ी भी और भगवान भी, यही के फूल लिए यही चढ़ा दिए, भगवान खुद भी सुन लिए, मजा आ गया, पूजा भी हो गई अच्छी बढ़िया दादावाड़ी। मैंने मना किया है कि मंदिर के आसपास बाग बगीचे नहीं बनाना चाहिए,
कहा कि दादा वाड़ी तुम खुद वहां कीड़े बन के पैदा होगे। कोई दादा वाड़ी नहीं, दादा क्या भगवान जिनेन्द्र परम। कोई अज्ञानी कहता है कि दूसरी जगह तो हिंसा करना पाप है, ये हो गया, परंतु यज्ञादि में धर्म के निमित्त से तो हिंसा करने में कोई दोष नहीं, श्रद्धा के साथ हिंसा प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। जहां हिंसा है वहां कभी भी धर्म नहीं होता है। अब देखो बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, जैन मत में मंदिर बनवाना पूजा प्रतिष्ठा आदि करना कहा है, वहां धर्म है कि नहीं है, बोलो धर्म है। मंदिर क्यों बनवा रहे, बंद करो ये सब, मंदिर बनने में हिंसा होती, खूब छान के पानी लगाओ, गाला भी खूब यत्नाचार से रखो, हर चीज ध्यान से रखो, लेकिन तो भी पूरी तरह से हिंसा नहीं टाल सकते, तो फिर वहां भी हिंसा तो फिर क्या करो, अपन भी थाने वासी हो जाए क्या करें, बोलो। देखो इसके लिए उत्तर दिया है, जिन मंदिर पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्यों में यदि जीव हिंसा होने का भय न रखे, जीव हिंसा होने का कोई भय नहीं, होने तो अभी आज तो धर्म हो रहा है। जैसे जब लाइट होती लाइट जलती है, निरान कीड़े गिरते हैं, नाच रहे होते लोग, तो एक जना टोकता है मत, इतने जीव मर रहे हैं, अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुत बढ़िया चल रही है फटाफट, तो वो नहीं समझ में आती उसको, मर रहे कि मर रहे, बहुत भयंकर, और खासकर बरसात में बहुत जीव होते हैं, लाइट आदि के निमित्त साथ में छोटे छोटे कीड़े काले काले, लेकिन जिन नाचने वाला होता है, नाचने वालों को आप टोक दो शत्रु बन जाए आपका जब दोस्त, वो भी नाचते करते करते देखो क्या हुआ, अरे हुआ होगा, अभी तो नाच रहे भगवान, भगवान सबके, अभी इस समय भगवान के निमित्त से किया गया है इसलिए सब दोष माफ है, ऐसा तो ही नहीं है, दोष कैसे माफ हो जाएगा। तो यदि हिंसा का भय नहीं रखे, यत्नाचार से न प्रवर्ते, किंतु केवल अपनी प्रतिष्ठा और मान पोषण के लिए जैसे तैसे कार्य करे, तो वह धर्म नहीं है, तीव्र कषाय भाव होने से पाप ही है। और इसलिए अपने ये जितने भी कार्य है ये करने की मना नहीं है, लेकिन इनमें बहुत यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करने के लिए कहा है। जैसे अपने को जुलूस भी निकालना है, तो निकालना है जुलूस तो दिन में निकाल लो, रात को क्यों निकालना, उससे क्या होगा, क्या होगा उससे, कुछ ज्यादा धर्म होगा। रात को तो शादी का भी प्रोसेशन नहीं निकलना चाहिए, जैनी लोगों का कोई काम रात को नहीं होता है, रात को तो स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं और आराम से घर में बैठ के सोते हैं। निशाचर लोग हैं, दिन में चढ़ने वाले निशाचर शेर कुत्ते बिल्ली वो रात को ही निकलते हैं, वो रात को चढ़ते हैं दिन में सोते हैं। जो ऐसी प्रवृत्ति हो जिनकी कि हमें रात में करना है, समझ लो क्या है वो निशाचर, अभी आदत छुट्टी नहीं वहां की, पहले भी रात को घूमने निकलते थे, शेर की बढ़िया है बहुत लोग, वो आग्रह अति आग्रह रात को ही होएगा, क्यों होगी रात को, भाई दिन इतना बड़ा है, कितना बड़ा दिन है, और एक तरह अपन रात्रि भोजन का इतनी जबरदस्त तरीके से निषेध करते हैं, क्यों, पूरी ताकत लगा के रात्रि भोजन का खंडन किया जाता है, तो जब उसका खंडन कर रहे हैं और रात में बनाने आदि का आरंभ का खंडन कर रहे हैं, तो रात्रि में पूजन आदि करने का कैसे कह देंगे, और क्या कि नहीं पूजन तो कर सकते, तो पूजन दिन में कर लो ना, कौन करने का कौन मना कर रहा, धर्म के अनेक अंग है, दिन में कर लो पूजा और रात को करो स्वाध्याय, जाप दे दो सामायिक कर लो, जिसमें ज्यादा आरंभ का काम नहीं वो काम रात को कर लो, जो आरंभ के काम वो दिन में कर लो, क्यों, घर गृहस्थी में ही करते हैं, खाना बनाना अपने दिन में बनाने, खाना खाना रात दिन में खा लो, रात को तो अपन आराम से पढ़ाई कर ले, बैठ जाए आराम शांति से कर लो,
ऐसा इतना मैनेजमेंट तो करना आना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हिंसा होगी फिर क्या होगा। यत्न पूर्वक कार्य करते हुए थोड़ी हिंसा हो तो उस हिंसा का पाप तो हुआ, पाप तो हुआ। यत्न पूर्वक कार्य करते हुए जो थोड़ी बहुत भी हिंसा हुई उस हिंसा का पाप नहीं लगेगा ऐसा नहीं, परंतु धर्मानुराग से पुण्य संचय विशेष होता। परंतु यदि धर्मानुराग होगा तो पुण्य ज्यादा बंधा और पाप कम बंधा, अथवा अपना संचित धन खर्च करने से लोक कषाय रूप अंतरंग हिंसा का त्याग होता, अथवा अपना जो धन था उसको खर्च करने में लोक कषाय घटी ना, तो पैसा खर्चा नहीं होता आदमी से, क्या सब कर सकता आदमी। बनिया बनिए के नेचर में होता है कंजूसी, वो मर जाए पैसे खर्चे नहीं करेगा, मरते दम तक भी यदि ये भी पूछेगा ये अस्पताल कितने लग रहे हैं, क्या यहाँ क्यों लिया है, उधर उधर भी चल चलते हैं। हाँ एक आदमी कहता है कि मेरे को वेंटिलेटर से उठा दो, फालतू का एक्सपेंस करने से कोई मतलब नहीं, तो घर वाले कहते हैं उठा लेंगे तो तू चले जाएगा, क्या उठा ले हम, लोग कहेंगे कि वेंटिलेटर से उठवा लिया, क्या करे, मरते मर जाएगा लेकिन न देगा न खाएगा न खाने देगा, जोड़ जोड़ के मर, जोड़ने की आदत है, मतलब आनंद आता है संचय करने में आनंद आता। तो अब वो यदि कह रहे हैं कि इस इन कार्यों में उसने धन लगाया तो उसकी लोक कषाय तो कम हुई, लोक कषाय कम नहीं होती तो लगाते ही नहीं, जोड़ जोड़ के मरते। और हाँ ये जरूर है कि लोक की जगह यदि मान बढ़ाया उसने तो फिर कोई कुछ ज्यादा विशेष लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उसने एक कषाय को छोड़ के दूसरी ग्रहण कर ली, कषाय कहाँ घटी, कषाय के त्याग रूप को, कषाय के त्याग को धर्म कह रहे हैं ना, कि कषाय का त्याग हुआ तो हिंसा का त्याग हुआ। तो यदि कषाय लोक छोड़ के मान की तो भी कषाय का अभाव नहीं हुआ, लेकिन उसने मान नहीं की और लोक का त्याग किया और धन खर्च किया तो वो कह रहे हैं कि नहीं उसने उपलब्धि तो की है फिर, क्योंकि अंतरंग हिंसा का त्याग किया उसने। अरे वैसे भी कषाय का त्याग बड़ा त्याग है, कषाय का त्याग अपने अंतरंग हिंसा का त्याग है, बहिरंग जीवों की हिंसा का त्याग द्रव हिंसा का त्याग है, वो भाव हिंसा का त्याग है, भाव हिंसा का त्याग बड़ा है, द्रव हिंसा का त्याग छोटा है, द्रव हिंसा का त्याग तो भाव हिंसा के त्याग के लिए कराया जाता है, द्रव हिंसा भाव हिंसा का निमित्त है इसलिए उसका त्याग कराया जाता है, क्योंकि असली हिंसा क्या है, भाव हिंसा, तागादी परिणामों की उत्पत्ति वो भाव हिंसा ही मुख्य है, लोभ राग रूप है कि नहीं है, तो उसका त्याग होता है धन खर्च करने से, करे तो सही कोई, हिंसा का मूल कारण तो कषाय है, इसलिए तीव्र कषाय रूप होकर उनकी हिंसा न करने से पाप भी थोड़ा हुआ, तीव्र कषाय रूप प्रवृत्ति नहीं करी और हिंसा नहीं करी, तीव्र कषाय रूप होकर उनकी हिंसा न करने से, किनकी त्रस्त जीवों की हिंसा भी नहीं की, यत्नाचार रूप प्रवृत्ता, तो कम से कम पाप थोड़ा हुआ, पाप की कमी की इसने तो ही हम कहते कि धर्म हो गया, लोग घटाया अपने वही पैसा यदि धन मतलब अपने भोगों भोग में खर्च करता तो पाप बांधता, यहाँ खर्च किया तो कम से कम धर्म बुद्धि हुई, लोक कषाय घटी, मंद कषाय रूप परिणाम हुए। दूसरा घर के कार्यों में तो कोई हिंसा हिंसा का विचार ही नहीं किया जाता ना दूसरे जीवों की, और यहाँ मंदिर के कामों में फिर भी थोड़ा बहुत अन्य जीवों की हिंसा का भाव आए बिना रहता नहीं, तो इसलिए उनकी रक्षा रूप परिणाम हुआ तो उतनी हिंसा हुई। अतः इस रीति से पूजा प्रतिष्ठा आदि करे, इस रीति से मतलब दो बातों का ध्यान रखे, कौन कौन सी दो बातें, एक तो यत्नाचार रूप प्रवृत्ति करे, दूसरा हाँ मंद कषाय से करे, कषाय के अभाव रूप करे, कषाय के अभाव करने के लिए करे, और कषाय माने ख्याति पूजा लाभ आदि के लिए नहीं करे, मान कषाय के लिए नहीं करे। इस रीति से करे तो पुण्य रूपी, अतः इस रीति से पूजा प्रतिष्ठा आदि करे तो पुण्य रूपी धर्म ही होता है। जैसे कोई मनुष्य एक रुपया खर्च करके 100 कमाता है तो उसे कमाया ही कहते हैं, अगर इस रीति से इसने किया है तो इसने कमाया ज्यादा है और खर्च इसका कम हुआ है,
तो इस अपेक्षा से उसको कमाया वही कहते हैं। वैसे खर्च तो हुआ, एक रुपया भी हुआ तो हुआ तो है, एक रुपया ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि एक रुपये के बदले में कमाया कितना, 100 रुपये। तो क्या कहेंगे उसको, उसने गंवाया कि कमाया? कमाया। ठीक उसी प्रकार जिसने अल्प हिंसा करके भी पुण्य का संचय अधिक किया तो उसने कमाया है, गंवाया नहीं है। इसलिए पूजा प्रतिष्ठा आदि कार्यों में जो कुछ थोड़ी हिंसा हुई है उसके बदले में उसके विशुद्ध परिणाम अधिक हुए हैं, कषायों की मंदता अधिक हुई है, लोक कषाय का त्याग हुआ है, इस अपेक्षा से उसके धर्म ज्यादा है, पुण्य का संचय ज्यादा है। यदि वह धन कार्य में, यदि वह धन धर्म कार्य में नहीं लगाता तो कहाँ लगाता होता? ये जितने लोग है ये यदि वहां नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? विषय कैसा है? क्यों छावड़ा जी, अपन अपना पैसा अपन ही नहीं लगा पाएंगे ना धर्म में, तो अपने बाल बच्चे ये गार्डनों के अंदर रात को शादी की पार्टियां देख के और अच्छे महिला संगीत में पैसे खर्च करेंगे क्या? सब नाचेंगे सब क्या लगे तो, और क्या है तो? पाप बांधा अपन ने, और पाप का और वो धन अपन ने, एक तो पाप बांधा इतना और दूसरा वो लगा भी पाप में रहे, खैर उसके बाद वो क्या करते हैं उससे अपने कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ वो क्या कह रहे हैं वो सेकेंडरी है, हम छोड़ के गए तो हमने तो उसके कमाने में पाप ही अर्जित किया, उससे हमको मिला क्या? क्योंकि कमाने में हमने पाप अर्जित किया कि नहीं किया? तो जो हमने कमाया उससे पाप कमाया, और हम पाप खुद कमा कमा के और किसी और के लिए वो छोड़ गए, उसको घर बैठे मिली वो चीज, और संक्लेश आकुलता पाप सारा किसने कमाया? तुमने। अभी समझ लो अपन एकदम अचानक मर जाए तो जितने भी अपन ने जिंदगी के पाप किए उसका फल कौन भोगे? अपन, और सामने वाले को तो आराम से घर बैठे मिल जाए, और उनकी धर्म बुद्धि नहीं होगी तो वो तो वैसे ही धर्म बुद्धि क्या होगी उनकी, जब उनके पिताजी की नहीं तो इनकी क्या होगी? काय में लगाएंगे? हर साल गाड़ी बदलेंगे, फर्नीचर बदलेंगे, फोन बदलेंगे, चप्पल जूते बदलेंगे, कपड़े बदलेंगे, फर्नीचर बदलेंगे, और क्या बदलने का होता है? अब मोबाइल तो बोल दिया ना मैंने, हाँ बाथरूम की टाइल्स बदलना होता है, घर की टीवी बदल लेंगे, और क्या है आदमी के पास सोचने का? शादी आएगी तो खूब खर्चा कर देगा, सब नाचेंगे फाड़ फाड़ एक दिन सब कर लेंगे, जितना पैसा है उतना उड़ा देंगे सब, एक दिन सब मिल बुला के पानी की तरह खत्म, सुबह से शाम तक खेल खत्म, दो एक डेढ़ घंटे के महिला संगीत के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपए। क्या करो अरे बाप रे ऐसे अभिवेकी लोग हैं, क्या करो कुछ नहीं है, बहुत संसार का भय नहीं है। देखो जिस संसार भय से तीर्थंकर जैसे महापुरुष डरे उसका भय नहीं है, क्या करो अभिवेकी है। तो इसलिए यदि वो धन धर्म कार्य में नहीं लगाएगा तो उस धन से विषय सेवन करके महापाप उत्पन्न करता, नियम से गारंटी से नहीं लगाएगा तो विषय सेवन में लगाएगा या छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाने में भी महासंक्लेश है और विषय सेवन में भी पाप ही है। इस दृष्टि से धर्म कार्य में अल्प सावध्य होने पर भी नफा ही हुआ, इस दृष्टि से उसने थोड़ा बहुत प्रभावना आदि का काम किया, उसमें हिंसा भी हुई तो भी कम से कम उसमें पाप कम बंधा और पुण्य ज्यादा बंधा। मैं तो कहता हूँ उसने यदि समझ लो किसी को खाना भी खिला दिया, खाना बनाने में यदि भी हिंसा होती है थोड़ी, लेकिन तो भी यदि दिन विन में करे, यत्नाचार पूर्वक करे और धर्म बुद्धि से करे कि चलो धर्मात्माओं को ही खिला रहा हूँ साधर्मियों को, तो उसको तो भी वो ठीक है इस अपेक्षा से कि नहीं तो वो क्या करता उस धन का, क्या नहीं तो विषय से हम लगा साधर्मियों को ही खिलाए अपने, जिनसे जो धर्म का जिनसे अपना संबंध है।
कम से कम वो मिलेंगे, आपस में करेंगे तो धर्म रूप प्रीति रहेगी। नहीं तो अन्य लोगों से जो प्रीति है वो तो विषय के लिए है, पंचेंद्रिय के भोगों के लिए ना, धन के लिए। धर्मात्माओं से प्रीति धर्म के लिए होती है। तो इसलिए वो, मैं तो कहता हूँ वो भी काम करे क्या, तो भी वो कम से कम उतना बुरा नहीं है उसकी अपेक्षा से कि भाई यदि वो नहीं करता ये काम तो वो कैसे करता। क्योंकि लोगों को क्या है, जिनके जो शौक होते हैं वो शौक तो ही बदले जा सकते, आदत होती है। जिनको खिलाने का शौक है तो खिलाएंगे, तो ठीक है कम से कम साधारण को खिला लो। जिनको घूमने फिरने का शौक है तो कोई बात नहीं, यात्रा कर लो, धर्म यात्रा कर लो। जिनको खूब नाचने गाने का शौक है तो कोई बात नहीं, मंदिर के अंदर कम से कम फिर भी एक मर्यादा तो रहेगी ना, दिन में नाचोगे करोगे तो बहुत मर्यादित काम रहेगा। मैंने जो भी काम होगा यहाँ वो कम से कम परंपरा से धर्म में लगने के लिए होगा। इसलिए बाहर की अपेक्षा से तो उसने जो भी किया वो ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है वो। यद्यपि यदि निर्बद्ध काम करके स्वाध्याय और ध्यान आदि करे तो वो श्रेष्ठ है, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि किसी व्यक्ति से बिना कोई भी हिंसा के काम करे बिना, और मात्र उसका उपयोग यदि ज्ञानाभ्यास में और स्वाध्याय मतलब ध्यान में लग जाए, तत्वाभ्यास और ज्ञान ध्यान तप में लग जाए, तो वो सबसे उत्तम क्रिया है, मुनियों की क्रिया है क्या। ये तो अपन पूजन पाठ आदि तो अपने शावकों की क्रिया है, और ज्ञान ध्यान तप किसके हैं, ये मुनिराज के। तो तुम वो कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, तुम मुनि बनने के सन्मुख हो, तुम्हारा उपयोग उसमें ही लग जाता हो, समझ लो तुम्हारा उपयोग स्वाध्याय में लग जाए, ध्यान में लग जाए, तप में लगे तो श्रेष्ठ, कोई दिक्कत तो ही नहीं, ऊंचा कार्य। उसमें नहीं लगता है तो फिर ये सारे दंड फंद है कि चलो कम से कम इसमें लगाओ, क्योंकि इसमें भी नहीं लगाओगे उसमें भी नहीं लगाओगे तो गिरो मत। बस जिस प्रकार मुनि एक ही नगर में रागादि उत्पन्न होने के भय से वहां ठहर कर विहार करते हैं, विहार करते हुए थोड़ी बहुत हिंसा भी होती है, परंतु नफा नुकसान का विचार करने पर एक ही नगर में रहना योग्य नहीं। क्यों क्यों नहीं रहना योग्य? वो जो राग उत्पन्न होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक नगर में तो सबके कौन आप कौन आप कौन, अरे आप दोनों जेठानी देरानी है। अच्छा अच्छा ठीक है, देरानी आई थी पहले, तभी जेठानी की कह रही थी तो तुम्हारी कह रही थी, मतलब सब सारे संबंध पता चल जाते, राग भी पड़ता परिवार जैसा पूरा हो जाता है एकदम। इसलिए वो राग बढ़े उसके पहले छोड़ फिनिश। अपने जो चरणानियोग की विधि वो भी इतनी निर्दोष है कि व्यक्ति उसको भी पालन, तो तीव्र राग रूप प्रणति उसकी हो ही नहीं सकती, उसको पाले ईमानदारी से, पाप नहीं कर सकता वो। तो ईमानदारी से धर्म ध्यान करे तो कदाचित उसको तत्वाभ्यास मतलब तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है, ईमानदारी से करे तो। शास्त्रों में सब लिखा है कि शास्त्र अभ्यास करे, चार वाणियों का अभ्यास करे, नहीं बक्षा समझे सब समझे। तो क्या करें, इसलिए एक नगर में कितने दिन कह रहे हैं यहाँ पे, एक ही नगर में दिन नहीं बताया यहाँ पे, समझ में आया ना। तो इसलिए एक सामान्य कथन से विशेष कथन का निषेध नहीं करना चाहिए, वो एक सामान्य कथन है कि इंसान पाप है तो पाप ही है, लेकिन यदि उस पाप के बदले में पुण्य बहुत बन रहा हो तो कहीं किसी काल देश में वो दोष रूप नहीं है, वो एक्सेप्शन है। ऐसा भी कार्य तो हो, ऐसा भी कार्य तो आरंभिक आवृत्ति और तुच्छ वृत्ति करते हैं। अतः संक्षेप में ऐसे ही उपदेश है कि धर्म के निमित्त से हिंसा नहीं करना चाहिए। अब आगे भी उन्होंने कह दिया ना कि ऐसा भी कार्य कौन करते हैं, ऐसा भी कार्य महाव्रति नहीं करते हैं। ये जितने काम बताए हमने पूजा के प्रवाना के, ये सब किनके ही शाव के, जो कि तुच्छ धर्मात्मा है, तुच्छ वृत्ति अवृत्ति या आरंभी है। जो महाव्रति है उनके लायक काम ही नहीं, मंदिर बनवाना किसका काम, किसका है, उनके लिए कह रहे हैं तो इसमें हिंसा, वो क्यों चक्कर में पड़े। तुम्हारा पदवी ऊंची हम लोगों की है नीची, तो हम कर सकते हैं ऐसे काम, क्योंकि ये तो सब आरंभ सारा में नहीं, इसमें बहुत संकल्प विकल्प वाला काम, लेकिन हम ये संकल्प विकल्प नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी करेंगे,
हम घर बनवाएंगे तो हम तो अपने घर की जगह मंदिर बनवाएंगे तो हमको पुण्य लगेगा, क्योंकि हमारा पाप कम हो रहा है और तुमने अपने ज्ञान ध्यान तब को छोड़ के काम अपना लिया तो तुमने तो नुकसान किया। डायमंड का काम छोड़ के यदि पीतल का भी करना चालू कर दिया तो उसका नुकसान, और सब्जी भाजी बेचना बंद करके फ्रूट्स का चालू कर दिया तो भी लाभ है। क्या कह रहे इंकार गिर तो इनकी है ना, आपकी तो ही नहीं है। कौन बना रहा है आप, कौन बना रहा है? देखो ऐसा है, जिसको जो करना अपन बने तो अपने को नहीं करना, बाकी क्या करना है उसके वो कहाँ यहाँ दिया गया इंकार। मैं तो एक बात बता रहा हूँ मैं तो, कि भाई ये निरारंभी जो धर्म है वो ऊंचा धर्म है और आरंभ सहित जो धर्म है वो नीचा है। गृहस्थी का धर्म आरंभ सहित होता है क्योंकि वो निचली भूमिका में स्थित है, और दूसरी बात वो अवलंबन के बिना नहीं होता। गृहस्थी कहती है उसका जिसका बिना अवलंबन के धर्म में परिणाम न लगे, और मुनि कहती है उसको है जिसको बिना अवलंबन के भी धर्म में परिणाम लग जाए। ये तो अंतर है, हमारा बिना अवलंबन के नहीं लगता है इसलिए हमने अवलंबन को स्वीकार किया, और उनका बिना अवलंबन के लग जाता है इसलिए उन्होंने अवलंबनों का त्याग किया। यदि समझ में आए ना, बिना अवलंबन के लग रहा है तो फिर अवलंबन क्यों लेंगे? जिसका बिना अवलंबन के चित्त लग जाएगा तो फिर वो अवलंबन लेने की क्या आवश्यकता है? आपका भी यदि बिना अवलंबन के लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ये सब तो साधन है। साध्य की सिद्धि साधनों के बिना नहीं होती, जिनको उन साधन को स्वीकार करते हैं, और जिनकी इतनी परिणति उत्कृष्ट होती है कि बिना साधनों के साध्य की सिद्धि कर सकते तो उनके लिए तो निषेध है। समझ में आया ना? तो इसलिए ये कह रहे हैं ऐसा भी कार्य तो आरंभी अवृत्ति और तुच्छ वृत्ति करते आते हैं। संक्षेप में ऐसे ही उपदेश है कि धर्म के निमित्त से हिंसा नहीं करनी चाहिए। अब देखो आगे दूसरी युक्ति पढ़ना है, दूसरी पढ़ लेते हैं। हिंसा में धर्म ठहराने की दूसरी कुयुक्ति, दूसरी धर्मो हि देवताभ्य प्रभवतिताभ्य प्रदेयमिह सर्वम् इति दुर्विवेक। निश्चय से धर्म देवों में उत्पन्न होता है इसलिए इस लोक में उनके लिए सभी कुछ दे देना चाहिए। धर्म किसके निमित्त से होता है? देवताओं, देवताओं के सब दे दो। बच्चा हो तो बच्चा दे दो, पत्नी से पत्नी को दे दो, अपना भी सर काटना हो तो काट दो। ऐसी बातें करते हैं क्योंकि पशु की किसी दूसरे पशु की बलि नहीं चढ़ाते। जो बलि चढ़ाने वाला है बेचारा वो भी अपने ही पशु को मारे, पशु खरीदेगा कि खरीदेगा? बिना पशु खरीदे तो दे नहीं सकता, तो उसने अपनी वस्तु दी ना, तो वो तो ये समझ रहा है कि मैं तो अर्पित कर रहा हूँ, कुर्बान कर रहा हूँ, कुर्बानी दे रही हूँ। तो क्यों देवता के निमित्त से सब दे सकते हो आप? तो अपने प्यारे बकरे को, गाय को, और तो कई लोग अपने बच्चों तक को बलि दे देते, बच्चे की बच्चों की आती अखबारों में, पत्नी को दे दे, कोई कह देगी पत्नी को दे दे तो सब सही हो जाएगा। क्या करे वो, उनको जिसने समझा दिया ऐसा कि देवता के निमित्त से कोई हिंसा करने में दोष नहीं है, देवता प्रसन्न होते हैं, दे दो किसी को। इसलिए तो देवता के निमित्त से अपने पशु की दे रहा है तो उसमें भी धन तो खर्च कर दिया ना, मतलब उसको ये समझाइश तो दे रखी किसी ने कि इनके निमित्त से जो भी करो उससे मिलता है। ये देवता मांस खा के प्रसन्न होता है, या देवता फलाने चीज खा के और फलाने करके प्रसन्न होता है। देखो तो निश्चय से धर्म देवों से उत्पन्न होता है इसलिए इस लोक में उनके सभी कुछ, उनको सभी, उनके लिए सभी कुछ दे देना चाहिए। ऐसे अविवेक से ग्रसित बुद्धि प्राप्त करके शरीरधारी जीवों को
नहीं मानना चाहिए, ऐसी ऐसी उठपटांग बुद्धि करके भी नहीं मानना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे तो अपने को खुद को भी तो अपना विवेक लगाना चाहिए। जबरदस्ती किसी से द्वेष बुद्धि कर, तुम्हारे घर में लड़की हुई ना, यही तुम्हारे सब अमंगल का कारण है, सब अमंगल का कारण यही है, यही अमंगल हो गया इससे है। अब कोई लेना देना नहीं उसका, बिचारी का है या किसी का भी, और बस उसको अपने दुख का कारण मान के फिर उसको निपटाने की सोचने लगे। ऐसे ऐसी बुद्धि, खोटी बुद्धि का क्या कर्म, खोटे कर्म आपने उपार्जित किए, पाप किसने बांधे, खुद ने, और पाप का फल खुद भोग लिया है, और उसके लिए दूसरों को उत्तरदायी नहीं। खुद तो फोटे काम करना बंद नहीं करे क्या, परिणामों को सुधारे नहीं, और बस अन्य द्रव्यों को ही और उत्तरदायी मान के और बस उनके मिटाने का उपाय करे, और वो अपने मिटाए मिटते भी नहीं क्या, अपने पहली बात तो उनकी हिंसा करने के भाव से भी हिंसा उनकी हो ही करी लोगे तुम, कोई जरूरी नहीं, हिंसा के भाव करते रहे तुम उनके, और कदाचित हिंसा करने जाओ और कोई अपराध समझ के तुम ही मार डालो, तो इसलिए ये ऐसी खोटी खोटी बुद्धियां करना कि इनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कोई दोष नहीं है देवताओं के लिए, तो कह रहे हैं कि इस बुद्धि से भी जीवों को नहीं मारना चाहिए। देखो टीका, निश्चय से धर्म, एक मिनट पर खत्म ही कर रहे हैं, निश्चय से धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है। इस लोक में उन देवों के निमित्त सब कुछ दे देना चाहिए, और सब कुछ माने जीवों को भी मार के चढ़ा दो, उन पर चढ़ा दो, ऐसी अविवेकपूर्ण बुद्धि से प्राणियों को नहीं मारना चाहिए। यह अविवेक रूप बुद्धि है, अकल नहीं है जिसको, एकदम ऐसी बातें करता है कि इनके लिए सब कुछ कर दो, इनके लिए तो अपनी जान चढ़ा दो है। एक तो क्या है, जिनको विचारों को कम बुद्धि है ना, उनको बरगलाने वाले संसार में बहुत है, पापी इतने हुए हैं, उन्होंने ऐसे मिथ्या शास्त्र लिखे, जगत के जीवों की बुद्धि मोहित की, भ्रमई इस पंचम काल में बहुत हुए, पंचम काल में क्या, इस हुंडा और सर्पणी काल में ऐसे पापी हुए हैं जिन्होंने कही है वेदों में हिंसा, कही है हिंसा को धर्म बताया, पशु वेद यज्ञ के निमित्त की गई पशु हिंसा उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसे उनके वचन है, शास्त्रों में लिख दी उन्होंने ऐसी बात, पापियों ने ऐसे ऐसे कसाई जी हुए इस काल, चल रही है उनके कारण से चल रही है सब। और कोई यदि जैनी होवे और उसको भी यदि संस्कार नहीं होवे और ऐसी उनके साथ में रहता हो तो वो भी कोई खोटा काम कर जाए तो उसमें क्या आश्चर्य, कोई आश्चर्य थोड़ी नहीं, जिसको अकल नहीं होगी वो कुछ भी करके आ सकता है, एक बकरा मेरी तरफ से भी लिख लो, पैसे खूब है, भावार्थ देव देवी क्षेत्रपाल काली महाकाली चंडी चामुंडी, अब ये भी कि नहीं क्या है ये पता ही नहीं अपने को, तो क्या न कोई चामुंडी का वर्णन है शायद, मतलब चंडी का क्या है, चंडी चामुंडी, और चंडी चामुंडी, अरे मैं कहता हूँ चंडी चामुंडी जिनको बहुत अच्छी लगती है, देवी लगती है, उनको कम से कम कभी भी अपनी पत्नी से कंप्लेन ही नहीं करनी चाहिए, जब वो गुस्सा हो तो बोले धन्य चंडी चामुंडी, जब ये तू क्यों वो बेलन उठा ले कुछ कर ले, तो उसमें क्या, वो तो तलवार उठा रखी है उसने तो, और मुंडी उसके हाथ में शेर की सवारी, दस दस नौ हाथ में तलवार भाले छुरे सब कुछ, कौन सा हथियार नहीं, इससे इतना उग्र रूप तो किसी की पत्नी नहीं बना सकती। तो जब तुम इतने उग्र रूप को भी भगवान रूप में स्वीकार कर सकते हो तो मैं तो इतनी उग्र हुई का,
मैंने तो तुम्हारे कुछ भी पाप किए ही कहा, क्या मैंने मेरे द्वारा तो जो भी केवल अभी तो तुमको बोला ही है, मैं तो गाली दी है, तुम तो उस देवी को मानते हो जो देवी हिंसा कर रही है, जब तुम उसको भगवान मान सकते हो तो इनने क्या विचारों ने बिगाड़ा है। चंडी चामुंडी, मैं तो कह रहा हूं पत्नी क्या उनको देवता मान लो ना, फिर हैं? तो इसलिए ये सब ये काल्पनिक देवियां कल्पना लोक से बनाई गई है, इस तरह की संसार में कोई देवी है ही नहीं, ये सब पापियों ने अपनी कल्पना से ऐसे ऐसे रूप ऐसे आकार और ऐसा इमेजिनेशन कर करके बनाया है। किसी के 9 हाथ होते हैं क्या, कोई 10-10 हाथ, और वो भी 10 हाथ में, अरे जिसकी ताकत है तो वो एक से ही कर लेगा, उसको 10 हथियार रखने की क्या जरूरत है। खुद की खोपड़ी नहीं हो तो कोई क्या करे, उनको कह रखा है कि ये बस फलाने दिन फलाने पशु की बकरी बलि देने से ये प्राप्ति हो जाती है, उसको ये हो गया, उसको ये हो गया, उसने दिया था, उसने मंगलवार को ही करा था और अगले मंगलवार को तो उसको ये हो गया। दिन भी फिक्स है इनके, अमावस्या काले कपड़े में पहन के काले जानवर को काली तलवार से दे, ऐसी ऐसी चीजें क्या। कमी सही नहीं है, और मूर्खों मूर्ख बहुत है गांव में, इतनी अज्ञानता चलती है पूछे मत, कितनी जगह अपनी मूर्तियां लगी हुई है और उन मूर्तियों को भी वो बाबा मान के उसके सामने बलिया दे रहे हैं, बोलो समझते ही नहीं कुछ। आदिनाथ भगवान की मूर्ति है वहां, कोई जात जे बाद में मालूम चला जैनियों की, अब तो रोक लगाने की कोशिश करी सब कर लिया, लेकिन जब तक नहीं मालूम था लगा। ये बावन गजा के पास में एक जगह है और यहाँ और वहां नासिक में गजपंथा के पास में अंजनगिरी कोई जगह है, वहां पर ऊपर ऊपर प्रतिमा है, प्रतिमा है तो वो तो देवदेव उनके बाबा मान के हैं और कर रहे हैं उसके सामने, अब उनको क्या मालूम वो क्या कर रहे हैं, उनके वचन क्या है उन बाबा के, तो वो अज्ञान है। अज्ञान आदिवासी जनता में पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है, पर जीव के मारने से अपना भला कैसे हो सकता है, सर्वथा नहीं हो सकता, इसलिए ये इससे हिंसा नहीं हो सकती, बाकी कल करेंगे।